गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि अभी तक करीब 6.25 हेक्टेयर वन जला है। आग से वनों की सुरक्षा के लिए प्रदेश मुख्यालय में फायर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक 6.25 हेक्टेयर में ही आग लगी है और 16,000 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन बागेश्वर में 2 महिलाएं आग से झुलस के मर गई, एक महिला घायल हुई। हालांकि हमने उनको 50,000 का मुआवजा उनके परिवार को तत्काल दे दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति हमारी है कि शुरुआत में वो स्थिति ठीक नहीं है। लगभग 9,000 जिसमें 6,600 से अधिक वाचर, 608 माली, 1500 फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, लगभग 9,000 से अधिक लोग इस समय इस पूरे जो अगर जंगलों में लगने वाली आग को काबू करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने 41 डिवीजन में और एक मुख्यालय में फायर कंट्रोल रूम बनाया है, जो कि पूरी तरह हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं कुमाऊं मंडल में लॉकडाउन से एक तरफ पर्यावरण में सुधार आया है तो दूसरी ओर वन्य जीवों के आवाजाही के क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ है। अनेक स्थानों पर हाल के दिनों में गुलदार, हाथी समेत अन्य जंगली जानवरों की सड़कों पर चहलकदमी बढ़ी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन से जंगलों में लोगों की आवाजाही कम हुई है, तापमान कम होने और जंगलों में नमी बनी होने से वनाग्नि की घटनाएं भी कम हो रही हैं। फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंस है उसे कमी होने में और भी कारण है। जैसे वर्तमान में नमी भी है यहाँ पे, आर्द्रता है यहाँ पे इसमें, और साथ ही में वो टेम्परेचर अभी उतना बढ़ा नहीं है जितना अपेक्षित है। लेकिन जहाँ एक और लोगों की आवाजाही जंगल में कम हुई है तो ये भी एक प्रबल कारण है कि वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के क्षेत्र में इसमें कमी पाई गई है। लॉकडाउन के दौरान कार्बेट पार्क से सटे सीमावर्ती इलाकों में वन्य जीव जंगलों से निकलकर सड़कों पर स्वच्छंद घूम रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब वन विभाग की चिंता बढ़ी है। इसे देखते हुए कार्बेट पार्क प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से वाइल्ड लाइफ रामनगर क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में देखने को और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को काफ़ी मिल रही है। यद्यपि एक अच्छा संकेत है कि वाइल्ड लाइफ अच्छे ढंग से विचरण कर रही है और निश्चिंत होकर विचरण कर रही है, और इससे इस बात का पता चलता है कि कहीं ना कहीं मानव दखलंदाजी उनके रास्तों पर, उनके हैबिटेट में हुई है, जिसका वो पूरा प्रयोग कर रहे हैं। किंतु इस समय पार्क प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी सुरक्षा की है। तो हमारे यहाँ रात पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और नई नई टीमें जगह जगह तैनात की गई हैं। उनके फ़ोन नंबर प्रधानों को और लोगों को दिए गए हैं।